दोस्तों, आज मैं जो वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सारे वायरिंग कटा फटा पड़ा है और ये वायरिंग दोस्तों मैंने नहीं काटा है और इसमें करंट की समस्या है और इसको मैंने सॉल्व किया। ये दूसरे मैकेनिक के पास गए थे और काफ़ी परेशान हुए और लास्ट में आखिर आके इसको हमने इसको सही किया। ये किस तरीके से मैंने सही किया, इसमें क्या फॉल्ट थी, कहाँ क्या प्रॉब्लम थी, मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को बिल्कुल भी दोस्तों स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए और ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पूरा वायरिंग यहाँ से कटा फटा पड़ा है, पूरा टूटा हुआ है, हर जगह से वायरिंग कटा हुआ है। और ये अगर आप सोच रहे हैं कि ये सारा काम हमने किया है तो बिल्कुल आप ये मत सोचिए दोस्तों, क्योंकि इतना कठिन वाला काम मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, कभी भी मैं इतना ये सब नहीं करता हूँ। कभी भी अगर वायरिंग की शॉर्टिंग प्रॉब्लम अगर आती है तो फिर हम करते हैं इस तरह का। और ये बाइक दूसरे के पास गई थी, रास्ते में अचानक चलते चलते ये बाइक बंद हो गई और किसी मैकेनिक के पास ये भाई साहब गए और उसने देखा कि इस प्लग वाले तार में करंट नहीं बन रहा है। तो उन्होंने मेरे ख्याल से बहुत तरीके से उन्होंने प्रयास किया लेकिन फिर भी ये चीज़ें नहीं हो पाई। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी और आपको क्या करना चाहिए, इसमें मैं पूरी तरीके से बताऊँगा। यहाँ आर्मेचर कॉइल से लेकर ये मास्टर कॉइल तक मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, मैं दूसरे वीडियो की बात नहीं करूँगा लेकिन ये वीडियो अगर देखेंगे तो आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से दोस्तों। अब देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इस बाइक की जो इग्निशन स्विच कनेक्शन होता है वो यहाँ से हमें डायरेक्ट करना होता है, इस दोनों तार को हमें डायरेक्ट करना होता है, इसलिए कि इसमें जो आर्मेचर कॉइल है इसमें स्टार्टिंग कॉइल नहीं है, इसमें सिर्फ लाइटिंग कॉइल होती है। लाइटिंग कॉइल, उसी से बैटरी चार्जिंग होती है और उसी से लाइट भी जलती है और इसमें स्टार्टिंग कॉइल नहीं होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टीवीएस स्पोर्ट हमारी बाइक है, उसमें स्टार्टिंग कॉइल है और इसका दोनों सॉकेट अगर खोलेंगे, इग्निशन स्विच का दोनों सॉकेट खोलेंगे तब बाइक स्टार्ट होगी, ऐसा है उसमें। और इसमें क्या होता है कि हम सॉकेट खोल के अगर दोनों वायर को हम डायरेक्ट करेंगे, इस दोनों वायर को डायरेक्ट करेंगे, देख सकते हैं, तब फिर ये करंट देना शुरू करेगी। दोस्तों यहाँ से कोई फॉल्ट नहीं था, ऐसा आप सोचिए कि यहाँ से कोई फॉल्ट था इसलिए इन्होंने कर दिखाया, तो ये तो मैंने आपको बताया पहली बात। अब दूसरी बात दोस्तों ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें स्टार्टिंग कॉइल नहीं है, ठीक है, सिर्फ लाइटिंग कॉइल है। तो लाइटिंग कॉइल के लिए हमें यहाँ पे करंट जो मान के चलो इसमें मास्टर कॉइल में यहाँ पे प्लग वाले तार में करंट नहीं बन रहा है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, तो पहले स्विच चेक करेंगे, आपको ये कर लेना है, ठीक है, ये कर लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ से देखिए ये जो आर्मेचर कॉइल है तो इसमें से दो तार निकलती है, एक तो होता है ये पीला तार, एक पीला तार होता है दोस्तों, दूसरा होता है एक ये येलो कलर का हो गया, दूसरा जो होता है वाइट रेड होता है, ये वाइट रेड। तो ये वाला जो तार होता है दोस्तों ये बैटरी चार्जिंग के काम में आता है, ये वाला जो होता है ये लाइटिंग के काम में आता है, करंट आना चाहिए, ठीक है, और इसमें भी करंट आना चाहिए। तो अब यहाँ देखा जाए तो कि इसमें करंट आना चाहिए, स्टार्टिंग के विषय में दोनों में करंट आना चाहिए, इस दोनों में, इसमें अगर करंट आ रहा है और आगे करंट वहाँ तक नहीं बढ़ रहा है तो आगे हमें क्या काम करना चाहिए, आगे हमें ये काम करना चाहिए कि ये जो करंट आ रहा है दोस्तों ये, इसके बाद हमें इस जो ये जो रेगुलेटर देख रहे हैं, रेगुलेटर को हमें चेक करना चाहिए। जैसे कि हम इधर से वायरिंग देखिए, वायरिंग दोस्तों ऐसा चीज़ है कि हमें ये समझना होता है कि यहाँ से कनेक्शन किस तरीके से आगे तक गई है जो हमारा करंट दे रहा है हमारी बाइक। ये चीज़ें अगर आप जान लेंगे तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे वायरिंग में, और हमें इसका अनुभव पूरा मिल चुका है और हम अच्छी तरीके से कोई भी फॉल्ट अगर आती है करंट के विषय में इस तरह के बाइक में तो मैं बिल्कुल आराम से मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, हमें कभी भी दिक्कत नहीं हुआ है। अब देखिए ये देखिए, अगर इस वीडियो का दोस्तों पूरा अगर नहीं देखेंगे तो आप फिर समझ नहीं पाएंगे यहाँ पे क्या हमारी इसमें गाड़ी में क्या दिक्कत है, ठीक है। आप ये ना सोचें कि कासिम भाई आप कुछ से कुछ बता रही है तो हमें मालूम है, मैं जानता हूँ कि आपको मालूम है, क्या पता दूसरे को मालूम ना हो। तो इस तरीके से आप पूरा वीडियो देखें क्योंकि 10 मिनट वीडियो कुछ खास नहीं होती है और इससे हमें सीखने को मिलता है, इसलिए हमारा कमाने का जरिया है। अगर आप सीख लेंगे इस चीज़ को तो आप दो पैसे कमाएंगे मेरे भाई, अगर आप फिल्म देखते हैं सीरियल देखते हैं तो उससे आपकी कमाई नहीं होगी, इतना मेरा ध्यान रखिए। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर लीजिए। अब ये देखिए, यहाँ से आपको ये चेक करना है कि इसका जो रेगुलेटर है दोस्तों ये करंट हमारा बैटरी चार्जिंग तक दे रहा है या नहीं दे रहा, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे कुछ नहीं चेक करेंगे, डायरेक्ट आपको यहाँ से चेक कर लेना है बैटरी चार्जिंग के विषय में। तो मैंने इसको चेक किया तो ये बैटरी चार्जिंग चलो ठीक है दे रही है, फिर भी वहाँ तक करंट नहीं पहुँच रहा। अब हमें आगे क्या करना है, ये बैटरी चार्जिंग तो यहाँ से दे रही है फिर भी वहाँ तक करंट नहीं पहुँच रहा है, तो अब आगे हमें ये देखना है कि इसके CDI ये जो TCI यूनिट है
इसका क्या कनेक्शन है, ये किस तरीके से काम करता है, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक TCI यूनिट ये किस तरीके से काम करता है। तो ये इस तरीके से काम करता है दोस्तों कि ये जो रेड वाला वायर है जिस तरह की बैटरी चार्जिंग देती है, उसी प्रकार इसमें भी एक बैटरी वाला करंट DC वाला करंट इस रेड वाले में आता है, इस रेड वाले से अंदर की ओर जाती है TCI यूनिट में और फिर वापस क्या करता है ये करंट को और भी सप्लाई करके TCI यूनिट के जरिए से फिर ये रेड वाले से यहाँ तक आती है। अगर आपके बाइक में बैटरी है, ठीक है, अगर आपके बाइक में बैटरी है और चार्ज है तो आप ये ध्यान देंगे कि इसमें डायरेक्ट करंट आना चाहिए। इसको अगर बॉडी से टच करेंगे स्विच ऑन करके तो इसमें डायरेक्ट करंट आएगा। अगर डायरेक्ट करंट नहीं आता है तो फिर कहीं और प्रॉब्लम है, इसका जो ये TCI यूनिट है ये ख़राब है। लेकिन इसमें ये भी ख़राब नहीं है दोस्तों, इसमें कुछ भी ख़राब नहीं है। मैं आपको बताऊँगा यार क्या दिक्कत है, ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ, आप बिल्कुल घबराए नहीं क्या दिक्कत है। अब इसका कनेक्शन मैं आपको बता दूँ, इसमें दो तार हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये दो तार देखिए, ये रेड वाला तो DC करंट देगा, बैटरी वाला करंट देगा। अब दूसरा वाला जो वायर है ब्लू कलर का वायर, ये क्या चीज़ का वायर है मालूम है? ये वायर होता है दोस्तों पिकअप कॉइल का, ठीक है, ये वायर पिकअप कॉइल का होता है, बिल्कुल आप गौर कर लें इस बात का। और इस वायर में करंट आपकी शो नहीं करेगी, इस वायर में करंट बिल्कुल भी शो नहीं करेगी। आप अगर चाहें कि हम चेक करेंगे करंट शो करेगा तो ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए फिर से एक बार मैं बता दूं कि यहाँ आर्मेचर कॉइल से भी करंट आ रहा है, सही आ रहा है और हमारी बैटरी चार्जिंग भी सही दे रही है और साथ में इस TCI यूनिट से करंट अंदर जा रहा है और इसके बाहर भी करंट वापस इस तार में आ रहा है, फिर भी वहाँ तक करंट नहीं बन रही है। तो अब हमें क्या देखना चाहिए, कहाँ क्या फॉल्ट होती है, अब मैं ये चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इस वाले तार में आ रहा है करंट और इसमें करंट नहीं आ रहा है, तो ऐसे हालात में मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि इसका पिकअप कॉइल का प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल आप इस बात का गौर कर लें कि इसका जो प्रॉब्लम होता है वो पिकअप कॉइल का होता है, क्योंकि यहाँ देखिए ये चीज़ें अब यहाँ तक करंट दे रही है और आगे हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, इसमें करंट नहीं बन रहा है, तो ये प्रॉब्लम है पिकअप कॉइल का। और ये जो वायर है दोस्तों पिकअप कॉइल के रिलेटेड काम करता है। अब देखिए पिकअप कॉइल की जानकारी मैं आपको दे दूँ अब दोस्तों। अब ये बाइक स्टार्ट तो हो गई और लेकिन मुझे परेशानी बहुत उठाना पड़ा, बहुत ज़्यादा हम परेशान हुए तभी ये बाइक स्टार्ट हुई। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने इसमें क्या किया है दोस्तों। इसमें जो परेशानी थी वो थी पिकअप कॉइल की। अब देखिए हम इस कहाँ पे कर रहे थे कि पिकअप कॉइल एक बार जो हमने इसमें चेंज किया वो मैंने पुराना वाला लगा दिया, हमारे पास मल्टीमीटर नहीं था, हमारे भाई वर्कशॉप पे ले गए थे तो हम अंदाज़ा ही अपने हिसाब से हमने क्या किया कि दूसरे बाइक का मैंने खोला था एक बार, उसकी लाइटिंग कॉइल ख़राब हो गई थी स्टार्टिंग कॉइल, तो हमें लगा कि इसका पिकअप कॉइल सही होगा तो उसी को लगा दें। तो उसे लगाया तो फिर देखिए करंट तो आने लगा लेकिन यहाँ पे करंट कम आ रहा था, इस स्पार्क प्लग में करंट कम आ रहा था। और फिर मैंने जब बैटरी लगाया तो फिर सही करंट देने लगा, तो हम इस उलझन में पड़ गए कि यार सही करंट दे रहा फिर भी बाइक स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, ऐसा क्यों दिक्कत हो रहा। फिर ये बैक कंप्रेसर मारने लगा एयर फिल्टर से, थोड़े स्मोक टाइप का उल्टा इस धुआं फेंकने लगा एयर फिल्टर से, किक मारने पर उल्टा गैस इधर से निकल रहा था। तो फिर हमें समझ में नहीं आ रहा था यार क्या करना होगा। फिर दोबारा फिर मैंने उसको दूसरे दिन मैंने मंगाया इसका मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर से जब नाप कर देखा तो हमने ये देखा कि 126-127 पॉइंट आ रहा है मल्टीमीटर में पिकअप कॉइल का, जबकि हम ज़्यादातर जो जानते हैं वो 40-45 से ऊपर आना चाहिए, कम से कम 45 होना चाहिए, जो कि 50-57 इस तरह का हमने देखा है, किसी भी बाइक का मैंने नाप कर देखा है। अगर आप नया लगाते हैं तो 200 पॉइंट भी बता देता है, लेकिन इतना है कि 140 से ऊपर हमेशा रहना चाहिए इसका पॉइंट पिकअप कॉइल का मल्टीमीटर के जरिए से। तो अब जो मैंने इसका कॉइल लगाया दोस्तों तो इसका 146 पॉइंट है, और फिर ये जैसे मैंने इसको लगाया तो अच्छी तरीके से बाइक स्टार्ट हो गई और हर तरीके से रेस भी बनने लगा। पहले तो रेस बिल्कुल भी नहीं बन रहा था, ऐसा लगता था जैसे कि करंट जाम हो गया हो, कुछ हो गया हो, ऐसा भी नहीं कि ये झटके ले रही थी बड़बुड़ जैसे झटके ले रही, जब हम रेस दे रहे थे तो रेस मतलब बन ही नहीं रहा था, इस तरह की दिक्कत हो रही थी, पूरा मतलब दम ले रहा था गाड़ी, जो ऐसा लगता है जैसे किसी ने ब्रेक दबा दिया हो और हम आगे बढ़ा रहे हैं और आगे नहीं भाग रही है, इस तरह का सिस्टम हो रहा था इसमें। तो प्रॉब्लम दोस्तों इसका पिकअप कॉइल का था और मैंने इसे चेंज कर दिया और ये बिल्कुल अभी सॉल्व हो चुकी है। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा पिकअप कॉइल के विषय में, पिकअप कॉइल ख़राब हो जाए तो इसकी पहचान क्या क्या होती है, क्या क्या बीमारियाँ देखी जाती है बाइक के अंदर, तो इस तरह की हम वीडियो जल्द ही लाने वाले आप सभी के लिए। तो इस वीडियो को लाइक कर दिए और शेयर कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। पिकअप कॉइल के विषय में मैंने फाइनली पहले ही वीडियो बना दिया है कि उसके वजह से क्या क्या परेशानी आती है, अगर पिकअप कॉइल ख़राब हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी अपनी बाइक में,
तो वो वीडियो मैंने इससे पहले ही मैंने अपलोड कर दिया, और ये वीडियो अपलोड करने में थोड़ी देरी हो गई है। और ऐसा नहीं कि हमने इस बाइक को बनाने में लेट कर दिया, हम इस बाइक को दूसरे दिन हम बना दिए थे, लेकिन वीडियो अपलोड करने में हमें देरी लग गया, क्योंकि हमारा ऐसा है कि 4 दिन तक हमारा तबीयत ठीक नहीं रहा, सर्दी खांसी जुकाम था, और आज 2 दिन से फिर मेरा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों बस आशा करता हूँ वीडियो से आपको फ़ायदा होगा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब।